राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रेस से मुखातिब हुए हैं। वहीं कांग्रेस वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राजेंद्र गुड़ा मामले पर पार्टी का पक्ष रखा गया है। कई मामलों में भाजपा पर दोनों ने निशाना साधा। पीएम के पास मन की बात का टाइम है, लेकिन मणिपुर के लिए टाइम नहीं है। दिव्या मदेरना का मसला अलग है। उन्होंने अपने विधानसभा की बात कही थी, 9 अगस्त को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। वहीं बीजेपी को मुद्दों से मतलब नहीं है, मणिपुर जल रहा है, इनको चिंता नहीं है। वहीं गुड़ा मामले पर पार्टी गंभीर है, जल्द संगठन के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस नेता को फोन कर सुबह 9 बजे कहा था कि आज हम धमाका करेंगे, लगता है ये साजिश रची गई है। टोटासरा बोले कि पहले गुड़ा बोले, फिर राजेंद्र राठौड़ बोले। टोटासरा, यह जांच का विषय है, समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के पास मन की बात के लिए टाइम है। एनसीपी जो वहाँ की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है पार्टी महाराष्ट्र की, उसको तोड़ने के लिए टाइम है। एनडीए की मीटिंग के लिए टाइम है, चुनावी रैलियों के लिए समय है, पर उनके पास मणिपुर के लिए कोई स्टेटमेंट देने के लिए टाइम नहीं है। वो उस टाइम दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, जो पार्टी के या स्टेट के और जो कंट्री के बारे में, कोई पूरा कंट्री पूरा देश मणिपुर की घटनाओं की निखेधी कर रहा है। हमारा एक मंत्री उठ कर रहा है, उसको छोड़िए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी। हमने उनको प्रत्यक्ष कहा। मोदी जी का और भाजपा का मिशन है केवल चुनाव जीतना, उनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। 27 तारीख को कह रहे हैं सीकर में आ रहे हैं, शेखावाटी किसानों का, नौजवानों का, शहीदों का, सेना की रक्षा करने वाले हमारे वीर सेनानियों का, उनका जिला है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा अव्वल है, ऐसे जिले में आ रहे हैं और उन किसानों के आक्रोश को वो कैसे नकार सकेंगे मेरे समझ